जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारा टेक्टन सोल की तरफ से ठीक है एक व्लॉग है। तो हम लोग टूर पे आए हैं, ठीक है। आज मैं आपको अपने जो मेरे साथ फेलोज आए हैं, जो ऑफिस पार्टनर आए हैं, सबके साथ मिलवाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, हम इस्लामाबाद में घूम फिर रहे हैं। ये हैं जी फैसल साहब। सर हाय कीजिए। जी हाय, अस्सलाम वालेकुम। और ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हमदा साहब। हमदा साहब, कोई मैसेज हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। ऐसे यही है यार, पाकिस्तान के यादगार प्लेस पे खड़े हैं, हमें अपनी तारीख नहीं भूलनी चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे आबाओ अजदाद जो पैगाम देख गए हैं, जिन बुनियादों को रखे गए हैं, हम उन्हें ख़राब नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान मोनमेंट पर खड़े हैं, इसकी कभी हिस्ट्री पढ़ें, बड़ी अच्छी हिस्ट्री है। बाकी इसको गूगल करें, इतना टाइम तो नहीं है, हम बता सकते। ओके जी गाइस, हमारे साथ ना कुछ स्टूडेंट्स भी आए हैं, ठीक है। नुमान साहब के वेब के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको उनके साथ भी मिलवाता हूँ। जी रैन साहब, आप लोग किधर आए हुए हैं, क्या देख रहे हैं, किधर घूमते रहे हैं? मॉन्यूमेंट आए हुए हैं। ऊंची आवाज़ में ज़रा बताएं, हमारे पास माइक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा ना आवाज़ का इशू होगा, ठीक है। मॉन्यूमेंट आए हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, गुड हो गया। हाँ जी जी, गुड हो गया इनकी तरफ से। ये देखें, काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा गर्मी की वजह से ना परेशान है, लेकिन व्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा टोटली। हमारे इस चैनल पर एक ऑलरेडी पहले आ चुका था, ठीक है। तो ये एक और होगा इस्लामाबाद के रिलेटेड। मैं आपको बैक कैमरे से भी इसके व्यूज़ दिखाऊंगा, लेकिन ये देखें, बहुत अच्छी एक प्लेस है। मैं तो देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी हम जिधर भी जाएंगे इंशाल्लाह आपको उस जगह के पिक्चर्स दिखाएंगे। माशाल्लाह ये देखें क्या व्यू है जी। मैं इसकी बैक साइड पे आया हूँ, ठीक है। वो आपको बैक पे मे भी मैं जूम करके अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो इस साइड से हवा माशाल्लाह बहुत कमाल की चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फैसल मस्जिद नज़र आ रही है मे भी, अगर आप देख पा रहे हो तो बैक एंड पे। और यहाँ पे ये देखें, हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर फाहद साहब फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, वो देखें अकेले अकेले।
अस्सलामुअलैकुम गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं लेक व्यू इस्लामाबाद में। ये है गाड़ी, बहुत ज़्यादा पीछे पार्क हुई थी तो हमें काफ़ी ज़्यादा चल के आना पड़ा, ठीक है। तो हमारे साथ के जितने भी लोग हैं वो आ गए हैं, क्योंकि असद भाई की आई थिंक चोट लगी थी, वो गिर गए थे, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए थे। सही है, ये मार साहब को ज़्यादा ही जल्दी आगे जाने की वो जा रहे हैं, तो बाकी साथ के लोग भी सारे उधर मिल गए हमें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है, यहाँ पे मे भी हम बोटिंग करेंगे। बहुत अच्छा व्यू है, हाँ, जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है, ये देखें ज़रा, बहुत ही प्यारा व्यू देखें, चेक करें। तो इंशाल्लाह जब हम बोटिंग करेंगे तो फिर आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी। अलैकुम जी, फाइनली हम लोग मनाल पर पहुंच चुके हैं, तो ये फहद साहब की मेहनत है जो हमें मनाल, या फहद साहब की मेहनत है जो हमें वो यहाँ तक ले आए, ठीक है। और ये अभी हम पहुँचे हैं, बहुत के पहुँचे हैं, तो इतने चक्कर आ रहे हैं ना कि बिलाल साहब और मैं वो दोनों, बाकी सारे तो ऑलमोस्ट ठीक हैं, लेकिन हम दोनों को बहुत चक्कर आ रहे हैं। बाकी व्यू यहाँ का आपको अभी थोड़ी देर के अंदर हम चेक करवाते हैं, बहुत कमाल का व्यू है यहाँ। हाँ जी बिलाल साहब, तो हम ये चाहते हैं कि वीडियो लंबी ना हो, तो सो काइंडली आपको हम नेक्स्ट जाके दिखाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट व्यू ही दिखाते हैं, सही है। इंशाल्लाह उधर फिर गपशप होती है। ओके जी, ठीक है गाइस, हम लोगों ने आपको बताया था कि हम आपको पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग बिल्कुल भी हमें थे किसी को भी नहीं रास्ता पता। तो अभी हम दामने को के टॉप पे जा रहे हैं, जहाँ से पूरा इस्लामाबाद बिल्कुल क्लियर ही नजर आता है। फाइनली हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, तो अभी बैक कैमरे से हम आपको दिखाएंगे पूरा इस्लामाबाद, आप अच्छे तरीके से एक बिल्कुल ब्यूटीफुल व्यू के साथ आप देख सकते हैं। तो चलें मिलाल साहब बैक कैमरे के साथ। ओके जी, जैसा कि नमान साहब ने आपको बताया कि हम आपको बस इस्लामाबाद पूरे का व्यू दिखाने वाले हैं, ठीक है, तो देर नहीं करनी, स्टार्ट करता हूँ बैक कैमरा, देखिएगा। फाइनली अब हम लोगों ने थोड़ी सी पिक्चरें ले ली हैं, ठीक है, और दामने कोर को देख भी लिया है, अब हम लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो फैसलाबाद पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो आज इसलिए जल्दी अब जा रहे हैं, किसी भी जगह पे ज़्यादा हम लोगों ने स्टे नहीं किया, तो
ये अब नमान साहब आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने अब देखा नमिकोक के टॉप से पूरा इस्लामाबाद एक अच्छे व्यू के साथ नजर आ रहा था, एक कमाल का व्यू होता है। गाइस अगर आप इस्लामाबाद की तरफ आए तो नमिकोक पे लाजमी आइएगा, क्योंकि यहाँ से जो इस्लामाबाद का व्यू है वो कहीं से भी आप नहीं देख सकते, या फिर मीनार के टॉप पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर थैंक यू गाइस। ओके जी, ये नमान साहब ने आपको कुछ बताया, अगर आपने नेक्स्ट टाइम कभी आना हो तो अभी आई थिंक वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग नीचे को जा रहे हैं, तो ना तो बोला जा रहा है और ना ही मोबाइल पकड़ा जा रहा है। बाय बाय जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में हमारा आइसक्रीम खाने का मूड बन गया, ठीक है, तो नमान साहब भी खा रहे हैं, मैंने कहा चलो आपको भी दिखा ही दें थोड़ी सी। ये नमान साहब, क्या यहाँ के प्राइसेस वगैरह का आपको कोई इशू नज़र आया, कुछ ज़्यादा कम का या नहीं? ओके गाइस, अगर तो प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, लेकिन यहाँ पे जंगल के अंदर आके फॉरेस्ट व्यू पे आपको ये प्राइस कुछ भी नहीं लगती, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ट्राई करने का अपना ही मज़ा। ओके गाइस, थैंक यू। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि दामने को के बाद हम लोगों ने गेम सफ़र स्टार्ट कर दिया था, तो हमारा फिर प्रोग्राम बना कि जी इस्लामाबाद में आए और फैसल मस्जिद में नमाज मगरब अदा की जाए तो बात अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो अभी देखिए मैं माशाल्लाह आपको व्यू दिखाने लगा हूँ, तो आपने सुभान अल्लाह भी कहना है, ठीक है, तो ये देखिए माशाल्लाह, ठीक है, कितनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, तो ये आप लोग देख सकते हैं, हमारे साथ जो इमरान आए हैं, ठीक है, वो हैं, और आपको जैसे ऑलरेडी वीडियो हमारी में नज़र आते रहे हैं नुमान साहब, ठीक है, मैं नुमान साहब से भी आपको उनके पास ले चलता हूँ। ये नुमान साहब, नुमान साहब, ओके वेलकम गाइस, तो अब हम पहुंच चुके हैं फैसल मस्जिद, आप देख सकते हैं सामने यहाँ पे ठंडा मीठा सा मौसम है, चले गाइस इनको छोड़ें, ये तो फालतू से बंदे हैं, आज हम आपको मिलाते हैं अपने डिजाइनर साहब से, जो कि हैं जी फहद साहब। फहद साहब, ऑडियंस से कुछ हो जाए, आपने सारा दिन बहुत मेहनत की है, ठीक है, कोई उनके लिए मैसेज हो जाए, ठीक है, जो हमारे देखने वालों के लिए। यार मैं इनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आया करें यार, ऐसी टूरिज्म वाली प्लेसेस पे आना चाहिए, पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, तो हमारी इतनी कंट्री के लोग क्यों नहीं आ सकते, तो आए, बिल्कुल आए, अच्छी जगह है। जी हमदा साहब से आपकी पहले भी मुलाकात करवाई थी, ठीक है, उधर मुझे आई थिंक प्लेस का नाम भूल गया, तो एक दफा फिर उनके पास हम चलते हैं। सर जी, कुछ फैसल मस्जिद में आप हमें लेके आए हैं, ठीक है, बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था आने का, फिर भी आप लोगों ने टाइम थोड़ा सा मैनेज किया और हम लोगों को लेके आए, ठीक है, तो कुछ अपनी ऑडियंस के लिए, अपने जो स्टूडेंट्स जो नहीं आए उनके लिए भी मैसेज हो जाए, ठीक है, उन्होंने क्या मिस किया आज, तो हम लोगों ने क्या आके हमें क्या बेनिफिट हासिल हो। एक्चुअली जब और प्लान किया जा रहा था तब भी ये बातें डिस्कस हुई थी कि जो टूर लाइक प्लेसेस या टूर तरह की चीज़ें होती हैं ना, मतलब खुद जाना है या कंपनी किसी के साथ जाना है या पर्सनल जाना है, सोलो करना है किसी ने, तो ये सिर्फ अपने नॉलेज के बिहाव पे ऐसे किया जाता है। कहते हैं कि जितना इंसान जितना टूर करेगा उतना इंसान के नॉलेज में इजाफा होता है। अभी देखिए आप यहाँ को, आपको थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे, बैक व्यू दिखाएंगे, यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पर मिलता है गाइडेंस मिलते हैं, जो आपको बताते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, फैसल मॉस्क ये किस तरह बनी, कितने टाइम में बनी, कितने मेंबर्स के नीचे नमाज पढ़ सकते हैं, इतना माशाल्लाह प्यारा निज़ाम है। मैं कहना चाहूँगा जिनको, जो स्टूडेंट्स सिर्फ इस वजह से ना, इसमें ग्रुपबाजी बहुत होती है, हम कहते हैं ना कि नॉर्मल हमने 2000 रुपये लेने, ओ यार 1000 रुपये से आप वहाँ, ये ग्रुपबाजी बहुत चलती है, तो ये हम सिर्फ उस 1000 रुपये ही नहीं देते, अपने इलम को फ़रोग नहीं देते, ये हमारी बहुत बड़ी जो है ना नाअहली है, मैं समझता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी टूर मिले हैं ना मुझे, मैंने कोशिश की है मैं 100% अचीव करूँ और सीखने की कोशिश करूँ। ओके सर, थैंक यू माशाल्लाह, आपके बहुत अच्छे ख्याल आते हैं, ठीक है, तो काइंडली आपने जितने भी मेंबर्स आए हैं, तो नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उन सबको नमाज भी पढ़ाई जाए, तो जो लड़कियां यहां पर स्पेशली अपने साथ आई हैं उनसे कहा जाए कि वो काइंडली अपना पर्दे का ख्याल रखें, तो माशाल्लाह ये बहुत हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा,
क्योंकि सारा दिन जैसा भी इंजॉय हो गया, लेकिन ये महसूस हम समझते हैं कि कैसी प्लेस है, यहाँ पे अदब करना बहुत जरूरी है। ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट तो है ही है, लेकिन एक मस्जिद भी है, इसका एहतराम लाजिम मलज़ूम है। एहतराम पहले है, विजिट एक पॉइंट, व्यू पॉइंट, ये चीजें बाद में आती, पहले इसका एहतराम कर सकते हैं। मस्जिद है, ठीक है, जैसा कि आपको हम साहब बता रहे थे कि हम लोग इसका अदब और एहतराम भी करेंगे, ठीक है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी प्लेस है। देखें जीनवान साहब, हमदा साहब जी, हम साहब क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, ये एक ना इसके बारे में एक बहुत बात एक मशहूर है कि ये जो पत्थर है जिस पर अभी हम खड़े हैं, सिर्फ इतना पीस, ये मतलब वाइट वाला पीस है ना, ये कभी आपको गर्म नहीं मिलेगा, चाहे आप जून जुलाई में आ जाए, ये कभी आपको गर्म नहीं मिलेगा। ये जो वाइट वाइट ऊपर लगा हुआ है, ये सिर्फ आपके हमारे माशाल्लाह खाना काबा में लगा हुआ है, और उसके लिए सिर्फ बनाया गया था, उससे जो पत्थर बचा है वो यहाँ पर लगाया है। माशाल्लाह सर, बहुत के एक्स्ट्रा वो बच गया था पीस, तो वो यहाँ पे एम्बेड किया गया। इसके बाकी जो है ना वो जून जुलाई में आएंगे तो गर्म होंगे, पाँव में रखा जाएगा, इसके ऊपर चलेंगे ठंडे होंगे, ठंडे ठार नंगे पाँव रखे, हाँ सूरज यहाँ पे भी होगा ठंडे होंगे। इस पत्थर में अल्लाह ताला ने देखिए मद नहीं आता ना, ये पहाड़ी है इसके, ये बहुत रेयर है, ये बहुत कॉस्टली, बहुत रेयर होता है सर। ये जिसे पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं लगा हुआ, संगमरमर कहा जाता है, ये वो है या क्या? नहीं नहीं, संगमरमर इसका नाम मुझे स्पेसिफिक याद नहीं, लेकिन ये जो पत्थर आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, सिवाय इसके भी किसी किसी जगह में लगा हुआ है, हर जगह पे नहीं लगा हुआ। ओके, बाकी जमात नमाज पढ़ते हैं, नमाज का टाइम है। ओके सर, इंशाल्लाह बात करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।